Well, we're going to have to work on that. मूवी के आगाज में हमें बताया जाता है कि 8 सेंचुरीज पहले कॉर्विनस के 2 बेटे हुए थे, विलियम और मार्कस। उनमें से मार्कस को बैट ने बाइट करके वैम्पायर बना दिया था और वुल्फ ने बाइट करके विलियम को वेयरवुल्फ बना दिया था। अब 1202 में मार्कस एमिलिया के साथ आर्मी लिए एक विलेज पहुंचता है जो विलियम के हाथों तबाह हुआ होता है और उधर अभी भी विलियम मौजूद होता है, लेकिन मार्कस उसे नुकसान पहुंचाए बिना उसे रोकना चाहता होता है। तभी उसके बाइट किए विलेजर्स वेयरवुल्फ बनने लग जाते हैं, जिस पर मार्कस की सेफ्टी के लिए उसे वहाँ से भेजा जाता है। मार्कस जाते हुए देख लेता है कि उन्होंने विलियम को लाइकन बने ही पकड़ लिया है और वो उसे आयरन एरो से अटैच चेन्स शूट कर रही हैं। इस पर वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, मगर वहाँ विक्टर आ जाता है और उसे कहता है कि वो दोनों भाइयों में से किसी को भी नहीं मार सकते, क्योंकि इससे बाकी नस्ल खत्म हो जाएगी, और वो विलियम्स को जेल में डलवा देता है। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि सिलीन हाइब्रिड बने माइकल के साथ सफर कर रही होती है और उसकी क्रेवन को रोकने और सबका सच लाने की आखिरी उम्मीद हाइबरनेशन करता मार्कस होता है, जिसके बारे में उसे डर होता है कि उसे क्रेवन हाइबरनेशन में ही ना मार दे। सिलीन वैम्पायर्स के सेफ हाउस जाती है और उधर माइकल को सर्वाइवर के लिए ब्लड देती मैंशन की तरफ निकलती है, जबकि मैंशन में हम देखते हैं कि क्रेवन गार्ड्स को लिए मार्कस को मारने आता है, लेकिन उसका टूम खाली होता है। लास्ट फिल्म से व्यूअर्स, आपको याद होगा कि लूसियन के साइंटिस्ट का खून मार्कस के टूम में जा रहा था और इसी वजह से वो अब जागा हुआ नीचे से बैट की शक्ल में निकलता है और गार्ड्स को मारते हुए क्रेवन के पास आता है। उसे साइंटिस्ट के खून पीने की वजह से क्रेवन का सच पता होता है, इसलिए वो क्रेवन को भी मारना चाहता होता है, लेकिन पहले उसे बाइट करके उसकी मेमोरीज ले लेता है, जिससे उसे सिलीन और माइकल का भी सब पता चल जाता है और वो उन्हें ढूंढने निकलता है। दूसरी तरफ हम न्यू कैरेक्टर मैकारो को देखते हैं, जो अपनी आर्मी भेजकर लाइकन्स के हाइड आउट को चेक करवाता है, साथ ही ट्रेन से भी वैम्पायर्स की बॉडीज मंगवाता है और उसे विक्टर और अमेलिया की बॉडी दिखाई जाती है। साथ ही मार्कस के जाकर सारे कोवन को जलाने का भी बताया जाता है। वो विक्टर और लूसियन की लाई गई बॉडी को सोंजा के नेकलेस के लिए पूरा चेक करता है और फिर विक्टर की बॉडी खोलकर मेटल डिस्क निकालता है जिसमें नेकलेस फिट हो सकता है। इधर मार्कस सिलीन के पहली फिल्म में दिखाए सेफ हाउस जाता है और वहां से उन दोनों की करंट लोकेशन ढूंढ लेता है, जबकि सेफ हाउस में बैठा माइकल खून पीना पसंद ना करते हुए करीब रेस्टोरेंट खाना खाने जाता है और उधर ही 2 पुलिस ऑफिसर्स भी बैठे होती हैं। माइकल की वैम्पायर अर्थ जागती है तो वो चीखने लगता है, तभी टीवी पर माइकल को अरेस्ट किए जाने के ऑर्डर्स दिए जा रहे होते हैं, जिस पर दोनों ऑफिसर्स उसकी तरफ बढ़ते हैं और माइकल अर्थ पर कंट्रोल ना करते हुए एक पर अटैक करने लगता है, लेकिन फिर वो अपने आप को रोक कर बाहर की तरफ भागता है। पुलिस का लाया बैकअप उसके पीछे फायरिंग करता आता जाता है और माइकल जंगल की तरफ भागता रहता है, तभी वहाँ सिलीन आती है जो मार्कस को उड़ता देख कर वापस माइकल के लिए आई थी और वो ऑफिसर्स को गिराकर माइकल को अपना खून पिलाती है ताकि उसके जख्म भर जाएं। उधर मार्कस भी आ जाता है और वो सब सच जानते हुए भी सिलीन पर बाइट करने के लिए अटैक करता है ताकि उसकी मेमोरीज ले सके, लेकिन माइकल उसे शूट करता थोड़ी देर के लिए गिरा देता है और वो दोनों वहाँ से भागते रोड पर आते हैं, जहाँ से वो जाते हुए ट्रक को ड्राइवर से छीन लेते हैं और वहाँ से निकलने के लिए आगे बढ़ते हैं। उनके पीछे मार्कस भी आता
होता है और मार्कस की हाइब्रिड बने माइकल से लड़ाई होती है, जिसके दौरान वो माइकल का लूसियन से लिया नेकलेस उतारता है, लेकिन सिलीन के शूट करने पर वो गिर जाता है और मार्कस सिलीन की तरफ बढ़ता है। सिलीन उसे गाड़ी के साइड से माउंटेन से हिट करती हुई जख्मी किए वहीं गिरा छोड़ देती है और माइकल नेकलेस उठाए आगे आ जाता है और वो सिलीन को मार्कस के नेकलेस चाहने का बताता है, लेकिन सिलीन को नहीं पता होता कि मार्कस वो क्यों लेना चाहता था। साथ ही सिलीन उसे सन निकलने का बताती है और उसका हाथ भी सन से जलने लग जाता है। माइकल उसे नीचे करके खुद स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल किए एक गैराज में ले जाता है और वो दोनों वहीं सुबह गुजारते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैकेरो माइकल के बारे में न्यूज सुनकर उनके सेफ हाउस पर सोल्जर्स भेजता है, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता, इसलिए वो उसमें बॉम्ब रखे वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन मैकेरो उन्हें हेलीकॉप्टर में ही बैठे नजर रखने का कहता है। इधर सोई हुई सिलीन जागती है तो वो माइकल को गैराज में मौजूद गाड़ी पर काम करते देखती है और जब वो वापस मुड़ती है तो उसकी नजर सोंजा के नेकलेस में पड़ती है, जिसे उठाकर उसका बटन दबाने से नेकलेस खुलता है और सिलीन को बचपन की मेमोरीज याद आती हैं कि ये उसके पास होता था, लेकिन ये कैसे मुमकिन था ये उसे नहीं पता। इसको जानने के लिए वो माइकल को लिए एक हिस्टोरियन वैम्पायर टैनिस से मिलने निकलती है, जिसे विक्टर के कहने पर सिलीन ने 3,000 साल पहले एक्साइल किया था और उसके हाइड आउट की लोकेशन सिर्फ सिलीन को पता होती है। वो वहाँ पहुँचते हैं तो टैनिस उन पर अपने लाइकन से अटैक करवाता है, जिनको ऊपर नीचे सिलीन और माइकल मारते हुए अंदर आते हैं और उधर वेपन्स देखकर सिलीन को पता चलता है कि लूसियन को वेपन्स वही दे रहा था। माइकल नेकलेस दिखाकर उसकी इम्पोर्टेंस पूछता है तो पहले टैनिस कुछ भी जानने से इनकार करता है, लेकिन फिर सिलीन के शूट करने पर उन्हें स्टोरी सुनाता है। वो बताता है कि अलेक्जेंडर कॉर्विनस के 3 बेटे थे, एक वैम्पायर मार्कस, दूसरा विलियम लाइकन और तीसरा ह्यूमन। उन तीनों में से विलियम ने दुनिया में तबाही मचा रखी थी, इसलिए मार्कस ने मरते हुए विक्टर और उसकी आर्मी को वैम्पायर ने बदला था और उसकी शर्त ये थी कि वो विलियम को रोकेंगे, जो उन्होंने किया और उसे प्रेजेंट कर दिया। साथ ही टैनिस बुक भी लेकर आता है जिसमें विलियम के प्रेजेंट की पिक्चर देख कर सिलीन याद करती टैनिस से उसके बारे में पूछती है, जिस पर वो बताता है कि सिलीन को इसका पता होगा क्योंकि उसके ही फादर ने ये प्रिजन बनाई थी। साथ ही सिलीन को वो नेकलेस पकड़े अपने फादर से बात करना याद आता है। मजीद टैनिस बताता है कि ये नेकलेस विलियम के प्रिजन खोल सकता है और विक्टर ने सिलीन के फादर को इसीलिए मारा था क्योंकि वो बहुत ज्यादा जानता था और उसने सिलीन को इसलिए छोड़ा था क्योंकि वो समझता था कि सिलीन कुछ याद नहीं रखेगी, लेकिन मार्कस को पता है कि सिलीन के ब्लड में प्रिजन की मेमोरी है, इसीलिए वो उसकी मेमोरी लेना चाहता है। वो उन्हें सब रोकने के लिए किसी शख्स के पास भेजता है और उनके जाने के बाद पीछे से इंसान बना मार्कस आता है और उससे प्रिजन को खोलने के लिए दोनों कीज का पूछता है, जिस पर वो बताता है कि एक की सोंजा के गले में होती थी तो दूसरी विक्टर की अपनी बॉडी में। मार्कस सिलीन की लोकेशन जानने के लिए टैनिस का खून पीता जान लेता है कि उसने उन्हें मैकेरो के पास भेजा है और उधर हम देखते हैं कि माइकल और सिलीन मैकेरो के पास पहुंचकर उसे नेकलेस दिखाते हैं। नेकलेस पकड़े मैकेरो के हाथ पर नजर पड़ने पर सिलीन जान जाती है कि मैकेरो असलन अलेक्जेंडर कॉर्विनस है, जो कि असल इमॉर्टल है, और इस पर वो उस पर गुस्सा करती है कि उसने अपने बेटे को क्यों नहीं रोका। अलेक्जेंडर उन्हें डिफेंड करता हुआ नेकलेस वापस माइकल के गले में डाल देता है और सिलीन से अपनी बात कंटिन्यू रखता है। तभी बाहर कमोशन की आवाज आती है और विंडो तोड़कर मार्कस माइकल को नीचे खींच लेता है। वो माइकल को टूटे हुए पूल से आर पार करता उसके गले से नेकलेस उतार लेता है और उधर माइकल को बचाने आती सिलीन के साथ लड़ने लग जाता है। मार्कस सिलीन के हाथों में अपने बैट के विंग्स घुसा कर उसका खून मेमोरी लेने लग जाता है और उससे विलियम की लोकेशन पता चल जाती है, लेकिन तभी सिलीन उस पर गोलियां चलाए उसे वहां से भगा देती है और खुद माइकल की बॉडी के पास जाती है, जो उसके खून डालने से भी ठीक नहीं हो रही होती। इधर मार्कस सोल्जर्स को मारते हुए अलेक्जेंडर के पास जाता है और उससे विक्टर के अंदर से निकली डिस्क मांगता है, साथ ही उसे विलियम को आजाद करके तबाही फैलाने के बाद अपने गॉड बनकर रूल करने का प्लान बताता है और कहता है कि गॉड का कोई फादर नहीं होता। ये कहकर वो स्वॉर्ड अलेक्जेंडर के अंदर घुसा देता है और उसकी पॉकेट से डिस्क ले लेता है और हेलीकॉप्टर की आवाज आने
करने पर उसे वहीं छोड़कर भाग जाता है। हेलीकॉप्टर से निकलकर सोल्जर्स अलेक्जेंडर के पास आते हैं तो वो उन्हें सिलीन को ढूंढ कर लाने का कहते हैं और सोल्जर्स उसे माइकल की डेड बॉडी के पास से अलेक्जेंडर के पास लाते हैं। अलेक्जेंडर सिलीन को समझाता है कि ह्यूमैनिटी को अब बस वही बचा सकती है और उसके लिए उसे अलेक्जेंडर अपना खून देता है ताकि उसके पास मेमोरीज आ सके। वो सिलीन को अपने सोल्जर्स के साथ वहाँ से भेज देता है और खुद जख्मी हुआ बॉम्ब ऑन करता दूसरे बॉम्ब के साथ रखता पूरी देश को उड़ा देता है। नेक्स्ट सीन्स में हम देखते हैं कि मार्कस प्रिजन की जगह पहुँच कर कीज यूज करता केव खोल लेता है, फिर वो वही कीज लिए विलियम के टूम की तरफ जाता उसे भी खोल लेता है। उधर सिलीन अपनी मेमोरीज से याद करती सोल्जर्स को पानी से लिए टूम तक आती है लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता और सिलीन बाहर से गन्स की आवाज आने पर जाने से पहले कीस ले लेती है। जब वो बाहर आते हैं तो विलियम को केओस मचाए देखकर उसकी तरफ बढ़ते हैं जबकि सिलीन पर अंधेरे में से मार्कस अटैक करता है लेकिन सिलीन पावरफुल हो गई होती है और मार्कस को पीटते जाती है। फिर वो बार बार उसे शूट करती जख्मी कर देती है और जब बुलेट्स खत्म होती है तो वो केव का गेट बंद किए मार्कस को दूसरी तरफ बंद कर देती है लेकिन गेट पूरा बंद नहीं हुआ होता। बहरहाल सिलीन विलियम के लिए सोल्जर्स के साथ आगे बढ़ती है तो उसे एक सोल्जर के पीछे विलियम दिखता है जिस पर वो मुसलसल फायरिंग करती रहती है और जब बुलेट्स खत्म हो जाती हैं तो वो दो बॉम्ब्स फेंकती है लेकिन वो सीलिंग से अटैच होते हुए ब्लास्ट करते बड़ा होल कर देते हैं जिसमें से बाहर उड़ता हेलीकॉप्टर दिख रहा होता है। सिलीन को अपने आस पास विलियम से बाइट हुए सोल्जर्स लाइकन बनते दिखते हैं तो उसे टेनिस की बात याद आती है कि विलियम से बाइट हुए लाइकन्स आज की लाइकन जनरेशन की तरह ह्यूमंस नहीं बन सकते थे और सिलीन उसे लड़ने की कोशिश करने लग जाती है। तभी हेलीकॉप्टर से जिंदा बचा हुआ माइकल नीचे आता है और वो लाइकन्स को मारने लग जाता है और उनके मरने पर उधर विलियम आ जाता है जिस पर हेलीकॉप्टर से भी सोल्जर्स फायरिंग करने लग जाते हैं। साथ ही मार्कस भी गेट खोले वहाँ आ जाता है और वो हेलीकॉप्टर को उसकी रोप से नीचे खींच लेता है। इधर हम देखते हैं कि माइकल विलियम से लड़ रहा होता है जबकि सिलीन मार्कस से हेलीकॉप्टर के फैन के सामने लड़ रही होती है और लड़ाई के दौरान सिलीन फैन के जरिए मार्कस का हाथ काट देती है। सिलीन से लड़ते मार्कस विलियम को देखता है जिसको माइकल मार देता है। मार्कस गुस्से में अपना पर सिलीन के अंदर घुसा देता है। सिलीन वही पर निकाल कर उस पर अटैक करती है और उसे उठाकर हेलीकॉप्टर के परों में मारती है जिससे वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है। माइकल सिलीन के पास आता है। यहाँ हम देखते हैं कि सिलीन अब सनलाइट से बर्न नहीं हो रही क्योंकि अलेक्जेंडर ने सिलीन को डेलाइट में जाने की पावर भी दे दी थी और इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है।